हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? और हैं, मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हुआ है और अभी बज रहे हैं 12:15, मतलब 12:15 बज रहे हैं और मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अभी फ्री हुई हूँ। वो पता है डेली घर के कितने काम होते हैं, सबसे मैं अभी फ्री हुई हूँ इसलिए मैंने अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है। और अभी पीहू का टाइम हो रहा है तो मैं पीहू को लेने जाऊँगी और उसके पहले मैंने कुछ काम किया एक्चुअली स्पेशली पीहू के लिए। मैं कुछ कर रही थी अभी और मैंने सोचा कि पीहू आएगी तो मैं उसको दिखाऊंगी और वो काफ़ी खुश होगी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी ये सब काम करे, ये सब मतलब जैसे क्रिएटिविटीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा पेंट किया है, ब्रश मारा है, सिर्फ पेंट नहीं किया मैंने, सिर्फ ब्रश मारा है ऐसे, मतलब कुछ पता ऐसे ही बस अपना टाइम पास किया है। तो वो पीहू को एक्चुअली बहुत पसंद है तो स्पेशली मैंने पीहू के लिए किया है। तो वो आएगी तो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाएगी कि वाह मम्मा बहुत अच्छा किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक मनी प्लांट लगाया हुआ है, देखिए मनी प्लांट ऐसे लगाया हुआ है। तो मैंने इसको ऐसे ही जो पानी की बॉटल्स आती हैं जो हम लोग ट्रैवल में ख़रीदते हैं, जो ट्रैवल में हम लोग लेते हैं पानी की बॉटल्स, उस पर मैंने इसको डाल के यहाँ पे खिड़की पे लगा दिया था। तो आज मैंने सोचा कि ये बहुत ही फीका फीका सा प्लेन प्लेन सा लग रहा था तो मैं बैठी थी, फिर सडनली मैं उठी और मैंने पेंट ब्रश उठाया। मैं कहती हूँ इसको थोड़ा सा, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कलर करके डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे डेकोरेट कर दिया है इसको ऐसे। और मैं ये गेट के पास है मेरे, तो मैं अपना थाला चाबी यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मैं कभी भी भूलूँ ना, मुझे कहीं भी जाना हो तो यहीं से उठा के मैं काम कर लेती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे आज थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, ये देखिए। और ये मेरा मनी प्लांट है, मुझे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मतलब बस सारे जितने भी सो प्लांट्स होते हैं जिनको जो इंडोर प्लांट्स कह सकते हैं उसमें मुझे मनी प्लांट मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। और ये देखिए मैंने एक छोटा सा इसको पेंट कर दिया, इस पर मैंने ये छोटे छोटे स्माइलीज बना दिए हैं क्यूटी क्यूटी से, और जो पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है इमोजीज वगैरह जो भी कह लीजिए। और नीचे ऐसे ही डॉट्स बनाए हैं और ये ऐसे ही फ्लावर्स बना दिए। ये कलर्स मेरे पास पड़े थे एक्चुअली, मैं हमेशा अपने पास कलर्स रखती ही हूँ क्योंकि पीहू को भी पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये पतंग है दोटे, मतलब उसने जो संक्रांति में पतंग ली थी उसमें कुछ ही पतंग उसने उड़ाई थी और बच गई थी, तो मैंने उसको ऐसे दीवार पे लगा दिया है। और ये बहुत ही खाली खाली सा, मतलब वॉल का कलर और इसका कलर सेम सा लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक स्माइली बना दिया। तो आज मैंने यही सब काम मैं पीहू को सरप्राइज़ करने के लिए कर रही थी। और ये देखिए ना, पीहू ने अपने लिए एक छोटा सा पौधा लाया था, ये एक्चुअली पीहू का स्टडी टेबल है। और यहाँ पर प्यारी सी मिनी माउस है, ये पीहू का अवार्ड है, पीहू को डांस में मिला था उसकी अलार्म क्लॉक। और ये मिनी माउस उसने बनवाया, मम्मा प्लीज़ बना दो मेरे लिए। तो ये पीहू ने एक प्यारा सा प्लांट लेके आया था, ये देखिए, और उसमें फ्लावर्स भी आ रहे थे बट पता नहीं क्या हुआ सडनली ये ऊपर से आई थिंक टूट गया, कैसे टूटा पता नहीं। मैंने यहाँ पर ऐसी खिड़की है, मैंने इस खिड़की पे उसको रखा हुआ था, यहाँ पे भी मैंने अपना एक मनी प्लांट रखा हुआ थोड़ा सा धूप लग जाए, तो मैंने इसको खिड़की पे रखा हुआ था। फिर पता नहीं क्या हुआ ये बीच से मैंने देखा टूटा हुआ था, तो मैंने नीचे से जड़ तो इसकी सही है ऊपर से मैंने इसको निकाल दिया। अभी वो काफ़ी अपसेट हो रही थी कि मम्मा मेरे प्लांट को क्या हो गया, हम बोले कोई नहीं अगर ये पकड़ लेता है तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा लेके आएंगे। तो यही था छोटा सा सरप्राइज़ जो आज मैंने पीहू के लिए किया है। और अब पीहू का टाइम हो रहा है तो मैं बस स्टैंड जा रही हूँ एक्चुअली, ये टीका देख रहे हैं, मैं अभी पूजा करके जस्ट उठी हूँ, मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया था, यही सब मैं काम करने लगी थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा वूजा करने में। तो अभी तुरंत मैं पूजा करके उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पीहू को लेके आने। फिर मैं पीहू को लेके आती हूँ, उसको थोड़ा सा खिला पिला के मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और बताती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। कुछ स्पेशल प्लान कर रही हूँ आज के लिए मैं, तो मैं अभी पीहू को लेके आती हूँ फिर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आती हूँ। हेलो, तो पीहू को स्कूल से लेके आ गई मैं
और खाना वाना भी हो गया और वो थोड़ा सा आराम कर रही है। आराम क्या, वो सोती नहीं है दिन में और अपना कार्टून लगा के देख रही है। वो सिंचन बहुत ज़्यादा देखती है, खैर मैं भी बहुत देखती हूँ सिंचन। मैं भी अभी सिंचन ही देख रही थी उसके साथ, फिर मुझे याद आया कि मुझे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ पर आ गई हॉल में और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया फिर से। और वो काफ़ी मैंने आपको बताया ना कि वो मैंने पेंट किया है बॉटल को, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई देख के। वो सिंपल सी वाटर बॉटल थी जो हम ट्रैवल में ख़रीदते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो वो सिंपल सी वाटर बॉटल थी तो उसको मैंने पेंट कर दिया, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव अब लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। और वो काइट भी उसके रूम की जो मैंने आपको दिखाया, वो भी देख के काफ़ी खुश हो गई, काफ़ी खुश हो गई। और एक्चुअली मुझे ना पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं पीयू के साथ थोड़ी बहुत पेंटिंग्स करती रहती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी बहुत, मतलब चाइल्डिश पेंटिंग जिसे कह सकते हैं, जो पीयू को अच्छी लगे। जैसे कभी मिक्की माउस बना दिया, कभी मैं भी मैंने आपको पीयू के स्टडी टेबल पर मिनी माउस दिखाया था। तो वैसे जो चाइल्डिश पेंटिंग होती है ना, जो बच्चे को अच्छी लगे, तो वैसे ही मैं उसके साथ थोड़ी बहुत करती रहती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ। और उससे क्या होता है कि मैं करती हूँ तो साथ में वो भी सीखती रहती है देख के। तो बच्चे को सीखना पड़ता है, कैसे सीखेगा बच्चे को, हम सिखाएंगे, तो मैं उसके साथ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और मैंने अभी कपड़े लगाए हैं धुलने के लिए, तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं, आज सैटरडे है, तो मैं पीयू का ही वेट कर रही थी कि वो स्कूल से आ जाए, फिर मैं उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी डाल दूँ धुलने के लिए। और क्योंकि संडे को हम दोनों बहुत ही लेज़ी रहते हैं, संडे को मैं बहुत ज़्यादा काम मतलब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि संडे को पीयू घर पे रहती है, तो पूरा टाइम पीहू को दे, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं पूरा टाइम संडे का जो है वो पीहू के साथ स्पेंड करूँ, एक्स्ट्रा वर्क में जो है मेरा वो टाइम ना जाए। तो इस वजह से मैंने कपड़े वपड़े जो भी है मैं सैटरडे को ही क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दीवार पे आपको मिक्की माउस दिख रहा है, ये पीहू को बहुत मन था मम्मा मिक्की बना दो, तो मैंने ये मिक्की माउस बनाया है पीहू के लिए। और वहाँ उसके स्टडी टेबल पे मिनी माउस है, और वो एक मेरी एक और पेंटिंग है। एक्चुअली ये पेंटिंग जो है, एक्चुअली ये जो पेंटिंग है ये पीहू को स्कूल में लगी थी, ऐसे कुछ सीनरी बना के ऐसे देना था कार्डबोर्ड पे, तो मैंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई ताकि बच्चों की पेंटिंग थी तो लगे कि हाँ कोई बच्चा। और अभी पीहू देख रही है सिंचन, तो मैं आपको मिलाती हूँ। एक्चुअली आज मैं आपको बता रही थी कि हमारा किसी चीज़ का प्लान है, एक बार अपने मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये देखिए मेरे यहाँ ये चल रहा है, सिंचन चल रहा है। और ये देखिए मेरे रूम में आते ही पीहू ने क्या किया, अपना मुंह कवर कर लिया। ये देखिए ये शैतान बच्चा है मेरा, ये बहुत शैतान बच्चा है मेरा। ये देखिए देखिए मुंह दिख गया। हेलो बोलो। हेलो। क्या हो गया? हल फंस गया था। तो अब ये बड़ी हुई है ना, तो इसको अभी मम्मी प्लीज़ मेरे पास मत लेके आओ, मुझे व्लॉग में नहीं रहना है, मम्मी मेरे पास मत लेके आओ, ये मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, अभी इसका बहुत सारा नाटक हो गया है। पीहू और उसे ठंड नहीं लगती, मैं हमेशा मतलब स्वेटर जैकेट्स और सॉक्स वगैरह मेरा सब पड़ा रह रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, मतलब है ठंड तो थी ही और थोड़ी सी अभी बढ़ी हुई भी है, बट मेरी बेटी कभी भी स्वेटर जैकेट कुछ भी नहीं पहनती है, और मैं इतना इसके लिए डांटती हूँ, मैं बेवकूफ़ों की तरह खरीदती जाती हूँ, बट इसको कुछ नहीं पहनना होता है भला। थोड़ा सा मतलब ये ब्लैंकेट में है अभी, बट ये है सिंपल सी एक कॉटन की टी शर्ट में। और आज मतलब हम माँ बेटी कुछ प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली हम जो प्लान कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हाँ चलो मैं आ गई ब्लैंकेट में, और ये मुझे पकड़ के ही सोएगी, मेरे बगैर इसको नींद नहीं आती है। तो इसने अपनी वाटर बॉटल यहाँ रखी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हम माँ बेटी क्या प्लान कर रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं मूवी देखने का। और एक्चुअली मुझे
सिनेमा हॉल, मुझे बाहर जाके पिक्चर देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और बहुत अजीब लग रहा है मुझे खुद को, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, मुझे पद्मावती देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और मैं हम दोनों प्लान कर रहे हैं क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म होने वाले हैं, इसका यूनिट टेस्ट चल रहा था और यूनिट टेस्ट अभी ख़त्म होने वाला है इसका। इसका बैग अभी यहाँ पे है, इसके रूम में इसने नहीं रखा है तो यहीं पड़ा हुआ है, अभी मैं उसको भी हटा दूँगी। तो अभी इसका यूनिट टेस्ट चल रहा है जो ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम प्लान करेंगे मूवी पद्मावती देखने का। मुझे बहुत 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 ज़्यादा मन रहा है, और पद्मावत, सॉरी पद्मावती नहीं पद्मावत। जब से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी देखी है तो तब से मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री जो है मुझे वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि इस पिक्चर में दोनों का पेयर नहीं है, मतलब ये रानी के किरदार में है दीपिका पादुकोण और जो रणवीर सिंह हैं वो अलाउद्दीन बने हुए हैं, तो इन दोनों का नहीं है साथ में, ये दोनों का पेयर नहीं है। बट मुझे इन दोनों को ऑन स्क्रीन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, पीहू के साथ, पीहू को वैसे तो मतलब अभी कोई काम नहीं आता घर का, ये बहुत छोटी सी है तो घर का काम क्या करेगी, पर एक चीज़ इसने अभी सीखी है और वो इतना पंक्चुअल रहती है उस चीज़ को लेके, मतलब इतना ज़्यादा पंक्चुअल रहती है, शाम को जैसे ही 7 बजेगा मतलब वो बार बार टाइम पूछना स्टार्ट कर देगी 6 बजे से, जैसे मतलब 6 बजे से नहीं, जैसे अंधेरा होना लगेगा ना वो टाइम पूछना शुरू कर देगी, मम्मी 7 बज गया, मम्मी 7 बज गया। मतलब इसको 7 बजे जो काम करना है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसको करना है तो करना है, बहुत पंक्चुअल है। एक्चुअली वो 7 बजे घर का जो हमारा मंदिर है उसमें दीपक जलाती है, तो ये इसने शुरू किया है आई थिंक 10 और 15 डेज से, 1 month नहीं 1 week इसने 1 week से स्टार्ट किया है, मैंने इसको सिखा दिया है और ये शाम को एकदम पंक्चुअल है कि 7 बजे दीपक जलना है तो जलना है। मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि मेरा बच्चा इतना प्यारा सा काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत हो गई मेरी बकबक, मैं बहुत ज़्यादा पक करती हूँ तो बहुत होगी मेरी पकबक, और अब मैं इसको सुला दूँ वरना ये हो गई है अब गुस्सा, तो इनको गुस्सा बहुत तेज आता है और ये भी गुस्सा हो रही है। फिर मैं जल्दी से ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं तो, और आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। सिर्फ एक कमेंट सेक्शन जो है नीचे का उसी के ज़रिए मैं जान सकती हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो और आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरी वीडियो में, आप लोग कैसा ब्लॉग चाहते हैं, किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, ये सब मुझे वहीं से पता लग सकता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग देखिए वीडियोस, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए कि हाँ देखिए अच्छा है या ये चीज़ आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है थोड़ा सा, तो वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, एक और बात ज़रूरी है, वैसे तो ये मुझे वीडियो के स्टार्ट में बोलना चाहिए था बट मैं इनमें बोल रही हूँ, अगर जो इन तक देखेगा उसको पता चल जाएगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियोस अगर ओपन करें तो पूरी देखें क्योंकि फुल वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो आप लोग पूरा वॉच टाइम दीजिए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, और अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए